मैं कराची से हूँ और यहीं पे पैदा हुआ, और फिर मैं नर्सरी में रहा हूँ मेजॉरिटी ज़िंदगी। अब शायद आज ऑफिस भी नर्सरी में है तो खुशी होती है। तो उससे पहले, उसके बाद मैंने एजुकेशन सेंट पैट से पढ़ी जो है, और उसके बाद मैं लम्स गया, क्या कहते हैं, मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और जो है कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री की। उसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने तब से काफ़ी पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स में काम किया। मेरा करियर शुरू हुआ था केमू डॉट पी के से, जो एक C2C मार्केट प्लेस है, लोग खरीद फरोख करते थे। उसके बाद इवेंचुअली वो कंपनी केमू दराज ने ख़रीद ली, तो उसके बाद मैं भी उस कंपनी के साथ दराज चला गया। काफ़ी टाइम मैंने दराज में गुजारा। उसके बाद वहाँ से आई वेंट टू करीम, करीम के अंदर मैं करीम कराची को लीड करता था एज ए जनरल मैनेजर। और उसके बाद मैं एक कंसल्टिंग कंपनी में गया, उसका नाम है मैकिन्जी। वहाँ पर बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, 3 साल मैंने वहाँ पे लगाए और काफ़ी सीखा कि मेच्योर बिजनेसेस और मेरा अपना स्टार्टअप का एक्सपीरियंस भी पुराना, उसको एक मिक्स करने का चांस मिला। और जो है उसके बाद फिर रिटेलो का ख्याल आया और फिर रिटेलो शुरू करी। तो तब से 1 साल हो गया तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तकरीबन 2 शहरों में, कराची में और रियाद में और सऊदी में, और क्या कहते हैं, उसके बाद हम तकरीबन हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अब 20,000 कस्टमर हैं। और जो है हम रोज़ तकरीबन 3 से 4 हज़ार डिलीवरीज करते हैं। तो रिटेलो इज़ एन ऑनलाइन B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यह है कि ऑनलाइन कोई भी दुकानदार, नॉर्मल किराना स्टोर, अपनी दुकान में जो भी सामान रखता है वो हमसे मंगवा सकता है होलसेल की रेट्स पे। सो अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अगर आप कराची में हैं, तो आप जो है कोई भी सामान अपनी दुकान का ऑर्डर कर सकते हैं हमसे, और हम नेक्स्ट डे डिलीवरी देते हैं। तो अगर आपको अपनी दुकान में चीनी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो या आपको कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल होती हैं। आप हमें ऑर्डर प्लेस करें, जो भी ऑर्डर रात 12 बजे से पहले हमारी एप्लीकेशन पे प्लेस होता है, वो अगले दिन हम ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। इसकी कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, मैं भी खुद कराची से हूँ, तो बचपन में आप सारी दुकानें देखते हो, मतलब ऐसा ही है, हमने भी उन्हीं दुकानों से सामान खरीदा है। तो जब मैकेंजी गए तो बस फर्क ये आ गया कि इनको कोई कस्टमर क्यों नहीं मानता, यानी कि इनके साथ ही क्यों हम उसी तरह चलते आ रहे हैं जो जैसे 1900 में चलते थे। मतलब वो एक चीज़ थी, तो अजीब तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब क्योंकि अपने ही मोहल्ले हैं, अपने ही शहर हैं, तो इनफैक्ट खुशी ज़्यादा होती है कि इनको सर्व करने का चांस मिल रहा है। अमेजिंग रिएक्शन होते हैं। पहले तो जो हमने स्टार्ट की थी, तो तब हमारे पास कोई अच्छी मोबाइल ऐप भी नहीं थी, हमने बिल्कुल ही एक बेसिक सी 30,000 रुपये की एप्लीकेशन बना के काम शुरू किया था। तो वो एप्लीकेशन ऐसी थी कि उसमें जो है जो तस्वीरें होती हैं सामान की, वो डालने का वहाँ पर वक्त नहीं था, तो सिर्फ नाम लिखा आता था कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। सो हमने वो जब जाके मैं शुरू की, हमने 50 दुकानें जौहर में, मैं और एक और हमारे साथी हैं अदील भाई, उनके साथ शुरू की दुकानें हमने अक्वायर करी। कि शुरू में दुकान को जाके हम खुद पिच करते थे इन दुकानदार को, तो हर तरह के रिएक्शन होते थे लोगों के। लोग हमसे सवालात पूछते थे कि ये ऑनलाइन कैसे होगा, क्या होगा, तो हम उनको यही समझाते थे कि पहले आप इसको समझें कि हम सप्लायर हैं, फिर हमें ये समझें कि हम ऑनलाइन हैं। पहले उनके अंदर ये भरोसा बनाना ज़रूरी होता था कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, आप एप्लीकेशन को ऑर्डर नहीं दे रहे। तो वो हमें ऑर्डर देते थे, हम उनको सामान पहुँचाते, फिर हम उनको बताते हमें ऑर्डर देने का तरीका ये एप्लीकेशन भी है, तो फिर वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करना शुरू करते थे। और जब उनको एक दफ़ा समझ में आता था, तो उनको यकीन नहीं आता था कि हम यहाँ पर बटन दबा रहे हैं मोबाइल पर और अगले दिन कोई बंदा सामान लेके आ जा रहा है। कराची में हमने पहले स्टार्ट करा जून के अंदर, और जो है उसके बाद हम रियाद गए तकरीबन नवंबर के अंदर। अब इंशाल्लाह हम बहुत और शहर, कराची, सऊदी, दोनों पाकिस्तान सऊदी दोनों के अंदर और शहरों में इंशाल्लाह जाने लगे हैं बड़े करीब। देखिए डिफरेंट बिल्कुल है, ज़बानें अलग हैं, लोग अलग हैं कुछ हद तक।
आई थिंक मेन फर्क जो मुझे लगता है वो ये है कि सऊदी के अंदर सप्लाई चेन थोड़ी सी मैसिव है साइज में, क्योंकि सामान पैलेट्स में मूव करता है, पैकेटेड चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में खुला सामान बहुत बिकता है, यानी ये एक डब्बे में से एक पीस निकाल के भी आप बेच रहे होते हैं, वो काम सऊदी में। तो उधर काम करना थोड़ा सिंपलर है, बट उसकी वजह भी यही है कि इतना काम नहीं है, उधर लोग इतने नहीं हैं, यहाँ पे दुकानें हज़ारों में हैं, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क है आई थिंक। दूसरा पाकिस्तान में एक चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे नीड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है उसकी, क्योंकि इतनी दुकानों के ऑर्डर लेने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये एक तरीका कि अब उनको जब तरीका मिल रहा है तो उनके लिए डेफिनेट आसानी क्रिएट हो रही है। पांच चीज़ें जो हमारे प्लेटफॉर्म की खूबी हैं, मैं एक एक करके बात शुरू करूंगा। हम लोग प्राइसेस आपको होलसेल के आसपास की देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो लोगों को मिलता है वो ये है कि आप हमसे डिलीवरी भी लेते हैं, हम फ्री डिलीवरी भी देते हैं साथ, तो हम वो प्राइसेस आपको जो है दे पाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, जहाँ पे माल टिपिकली आपको जो है महंगा पड़ रहा होता है। और ख़ास तौर पे ये ज़्यादा फोकस होता है जो आपका अनब्रांडेड सामान है उसके ऊपर, क्योंकि वो सामान तो देखिए ब्रांडेड सामान तो दुकानों में आज भी डिलीवर होता है, बट अनब्रांडेड सामान कोई डिलीवर नहीं करता, हम वो डिलीवर कर रहे होते हैं, तो वो बहुत एक बड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा होता है। दूसरी चीज़ डिलीवरी, रोज़ आपको पता है कि डिलीवरी करवाना कि आज ऑर्डर बुकर आपके पास आ रहा है या आप दुकान जाते हैं, आपको एक लिमिटेड टाइम है, सुबह बुकर आता है, दिन के दौरान आप मार्केट जा सकते हैं, आपने अपनी दुकान भी खुली रखनी है। हमारी एप्लीकेशन 24/7 है, आपको घर पे ऑर्डर करना है आप घर से ऑर्डर करें, आपको रात को ऑर्डर करना है आप रात से ऑर्डर करें, आप दिन में 5 ऑर्डर करना चाहते हैं आप 5 ऑर्डर करें, हम सारे ऑर्डर आपको अगले दिन ला के दे देंगे। सो ये एक जो एडवांटेज है कि इतनी तेज डिलीवरी कोई भी नहीं देता, और इसके लिए हमारे जो प्रोसेस हैं सिस्टम हैं वो सारे इसी तरह चलते हैं कि हमारे वेयर हाउसेज में रात भर पिकिंग होती है। सो जो है आप जो ऑर्डर देते हैं रात 12 बजे तक हमें, तो उसके बाद 12 बजे के बाद हमारे पूरी प्रोसेसिंग टीम उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करती है। हज़ारों ऑर्डर आते हैं, हज़ारों सामान सॉर्ट होता है, गाड़ियों पर चढ़ता है और फिर सुबह आपके पास पहुँच जाता है। उसके बाद ऑर्डर, मैं ये कह रहा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको निजात मिल गई कि आपको ऑर्डर देने के लिए दुकान में होना ज़रूरी नहीं है या मार्केट जाना ज़रूरी नहीं है। आप घर पे बैठे हुए हैं, किसी दिन दुकान बंद है, आज बारिश हो रही है, आप आज भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने घर से। तो ये एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है कि दुकान के ऊपर कोई भाई बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, बट जो ऑर्डर देने वाला मेन दुकान चलाने वाला होता है उसको पता होता है कि क्या सामान ख़रीदना है क्या सामान बेचना है। तो वो जो सामान खरीदने की डिसीजन है वो आप अलग भी कर सकते हैं, वरना क्या होता है आपको किसी और को बताना है कि यार ये बुकर आए तो ये ऑर्डर ले लेना, या क्या कहते हैं आप मार्केट से ये जाके खरीद के ले जाना, वो कंट्रोल अब आपके पास आ जाता है एप्लीकेशन से, रिगार्डलेस कि आप हैं किधर। वो जो फिजिकल से डिस्कनेक्ट है यही इंटरनेट और मोबाइल का फ़ायदा है। इसके बाद जो हम वन स्टॉप शॉप जिसको कहते हैं कि आपको सारा सामान एक जगह पे मिलता है, आपको चीनी चाहिए एक जगह पे, दाल चावल आपको एक जगह से मिल रही है, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए जो यूनेस्ले यूनिलीवर फ्रीजलैंड कंपनी जो और पंचो चाहिए, वो चीज़ आपको एक जगह पे मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप सारा सामान एक प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में 2 वेयर हाउसेज हैं, एक 50,000 स्क्वायर फुट है, एक 75,000 स्क्वायर फुट है, तो ये मतलब समझ लें एक एकड़ पे है, एक 2 एकड़ पे है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी लोग भी काम करते हैं, और जो है इसके साथ हम लोग तकरीबन दिन की 200 गाड़ियाँ सुजुकियाँ निकालते हैं डेली जो ऑर्डर डिलीवर करते हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स हैं जिनको हम एप्लीकेशन ट्रेनर्स बोलते हैं, वो फील्ड में होती हैं, वो लोगों को ट्रेन करती हैं एप्लीकेशन के ऊपर। उनका काम जो है मेन वो ये है कि वो लोगों को समझाएं कि सामान रिटेलों की एप्लीकेशन से किस तरह ऑर्डर किया जा सकता है। तो इसमें 3 चीज़ें मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगती हैं, और तीनों शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग जगह सीखी हैं। सो पहली चीज़ जो मैंने करीम से सीखी वो ये थी कि इंटेग्रिटी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हमारी मार्केट्स ऐसी हैं कि कॉमन है कि हल्का सा ऊपर नीचे करना की आदत है लोगों को, तो
वो चीज लेकिन डीप डाउन आपको बड़ा काम करने से रोकती है, क्योंकि आप पे लोग भरोसा नहीं करते दूसरे, उसकी वजह से चीजें बड़ी करना बहुत मुश्किल है उस प्रिंसिपल के बगैर। तो आई थिंक ये नंबर वन चीज सीखी। दूसरी चीज जिसको मैं कहता हूँ मैकिन्ज़ी से बहुत बड़ी चीज सीखी है, इसको सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। सर्वेंट लीडरशिप ये है कि देखें, एक पूरी दुनिया में स्टाइल है कि मैं बॉस हूँ, मैं सबको बताऊंगा ये करना है। ऐसी चीज दुनिया के अंदर अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उनमें ऐसे काम नहीं होता। आपने लोगों को ट्रस्ट करना है कि वो अकलमंद हैं, वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है, और आपने उनकी हेल्प करनी है, तो आप उनके सर्वेंट हो। तो अगर इस माइंडसेट से चलते हैं तो फायदा ये होता है कि आप बोलते हो कि आपके मसाइल क्या हैं जो मैं हल कर सकता हूँ, ताकि आप अपने लोगों के मसाइल हल करो और इवेंचुअली वो लोग कस्टमर के मसाइल हल करें। तीसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ इसको मुझे लगती है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस से मुराद क्या है कि भाई देखें, एक काम के अंदर महारत भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम सारी अच्छी चीज़ें रख लेंगे, हम बहुत ऑनेस्ट हैं और हम बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं, बट अगर महारत नहीं है तो फिर कोई कुछ काम नहीं हो सकता। तो वो फिर तीसरी चीज़ होती है महारत की। हम कोशिश ये करते हैं कि हर फील्ड, हर शोबे के अंदर लोग वो हों जिन्होंने उसमें काम किया हो पहले, जो सोचते हैं उसके बारे में और जो माहिर हो उस चीज़ के। देखिए, फेलियर तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ जर्नी, और क्या कहते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था मेरी फर्स्ट रियल जॉब केमू थी, बट उसके बीच में भी जब 2-3 महीने मैं ग्रेजुएट हुआ मेरी भी जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने डिफरेंट काम की उस टाइम पे। आई थिंक उस पॉइंट के ऊपर भी एक हमेशा क्वेश्चन तो थॉट आती थी कि ये कैसे होगी ज़िंदगी, क्या करेंगे। तो आई थिंक क्लैरिटी तो कभी भी 100% किसी को भी नहीं होती। आप जो मैंने पर्सनल लेवल पे अंडरस्टैंड किया अपने बारे में, वो ये है कि इंसान को डे ऑन डे मेहनत करते रहनी चाहिए और अल्लाह ताला खुद ही रास्ते और तरीके निकालते रहते हैं। सो आई थिंक ये जो पर्सनल कैपेबिलिटी की डेवलपमेंट है, ये एक स्लो प्रोसेस है और आप आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव करते हो, तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी। रिटेलों में भी इन इट सेल्फ आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं। हमने कुछ वेयर हाउसेज ले लिए जो बहुत ही छोटे पड़ गए हमें, हम महीने महीने तक कस्टमरों को टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए शुरू में। फिर हमने बड़ा सीखा उससे कि हमारा साइज़ और वेयर हाउसिंग क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने बहुत काफ़ी बारिशों में नुकसान हुए। तो आई थिंक देर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट इज़ गोइंग रॉन्ग या यू आर फेलिंग ऑन सम पार्ट। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि दे आर पार्ट ऑफ द लर्निंग, राइट? अगर उसके बगैर आपको समझ में भी नहीं आता कि सही चीज़ क्या है। जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज करना अपना बहुत ज़रूरी है ओवर टाइम। आप सीख रहे हो ताकि आप उतने ही, क्योंकि घंटे तो सबके पास उतने ही हैं दिन में, उन्हीं घंटों में ज़्यादा चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है, और वो चीज़ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू आती है। आई थिंक जो मुझे अच्छी बात लगती है नई जनरेशन की, वो ये है कि वो डिज़ायर टू अचीव एन इम्पैक्ट इज़ मच हायर, उससे दिमाग ज़्यादा चलता है। फील आई थिंक उसका जो नेगेटिव है वो आपने ऑलरेडी बता दिया कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं इसकी वजह से। आई थिंक इन दोनों का एक बैलेंस है हेल्दी, कि जो है आप काम को एफिशिएंट तरीके से भी करना चाहें और अपनी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा हूँ, और आप कोई उस इन दोनों चीज़ें करने की वजह से किसी गलत शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिसरप्शन आई थिंक एक वर्ड है जो टेक्नोलॉजी के साथ अब अटैच हो गया, कि दुनिया को डिसरप्ट कर देते हैं। आज अगर आपने पहले ऑर्डर प्लेस करना होता कि मुझे ये सामान मंगवाना है, तो आप किसी को कॉल करते, आप 5 लोगों से रेट लेते, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते। आज आप एप्लीकेशन खोलोगे, आप देखोगे ये रेट है, आपको समझ में आएगा, आप ऑर्डर कर दोगे बस। तो जो टाइम सेविंग है, उसके बाद क्या होता है, अगर मैं खुद जा रहा होता मार्केट, तो मैं 2 घंटे जाता मार्केट ड्राइव करके, मार्केट में देखता 5 दुकानों में, एक दुकान बोलती मेरे पास ये सामान ख़त्म हो गया है, मैं अगली दुकान पर जाता, देखता कि ये सामान है या नहीं, अच्छा यहाँ पर रेट समझ नहीं आ रहा, फिर तीसरी में गए। तो ये जो 2-3 घंटे का प्रोसेस है, ये समझ लें ये 2-3 मिनट में अब हो जाता है। तो ये डिसरप्शन अगर कोई बंदा बाद में 2-3 मिनट के प्रोसेस को 2-3 सेकंड में कर देगा, तो हाँ बिल्कुल मजीद एक अगली डिसरप्शन होने लग जाएगी।
ये रेशियो अगर आप बीच के मुल्क देखेंगे, सऊदी की बात कर लेते हैं, तो सऊदी के अंदर 55% सामान मॉडर्न ट्रेड में बिकता है, 45% जनरल ट्रेड। एंड अगर इजिप्ट देखेंगे विच इज़ लाइक इवन बिटवीन सऊदी एंड पाकिस्तान, विच इज़ 75% जनरल ट्रेड एंड 25% मॉडर्न ट्रेड। सो ये एवोल्यूशन पे तो पाकिस्तान भी जाएगा, यानी कि मोर बिजनेस विल शिफ्ट टूवर्ड्स मॉडर्न ट्रेड, ठीक है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कितना आई थिंक सीलिंग है इसकी, आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 to 20 years मैक्सिमम बिजनेस दैट विल शिफ्ट टू मॉडर्न ट्रेड वुड बी 30%, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आर पीपल आर डिस्बर्स अक्रॉस द सिटीज, राइट। मॉडर्न ट्रेड के स्टोर्स तक का एक्सेस ही नहीं है, आप कैसे जाओगे, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना दूर स्टोर होगा। और दूसरी बात है, मॉडर्न ट्रेड में आप जाओ जाते हो तो आप महीने का सामान खरीदते हो, हमारी मेजॉरिटी अवाम है पाकिस्तान के अंदर डेली वेजेस पे चलती हैं, तो डेली वेजेस के ऊपर आप छोटी डिनोमिनेशन की चीज़ें खरीदते हो, तो आई थिंक वो कल्चर तो एज इज होल्ड करेगा। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली देर आर मैनी थिंग्स विच वी आर डूइंग इन द पाइपलाइन। सबसे पहले तो हम इनको बेसिक सर्विस देना स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम उधार पे माल दे रहे हैं, जो हमारी खास दुकानें जो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनको उधार पे भी माल देते हैं, तो ये एक एडिशनल बिग सर्विस है। उसके बाद हम POSs की तरफ जाएंगे, यानी कि हम इनको ऐसे मोबाइल देंगे अपनी इन्वेंट्री दुकान की आराम से मैनेज कर सकें, ये सर्विसेज हैं। और इनके लिए जो है मज़ीद 3-4 डायमेंशंस पे हम सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, कि एक दुकानदार के जो मेन मसले हैं हम उनको हल करें, यानी कि वो अपना हिसाब कैसे रखते हैं, अपनी इन्वेंट्री के अलावा उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक लेट्स से शॉपर्स दुकान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो उनकी भी सप्लाई चेन उनको ला के दें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हर दुकान एक बिज़नेस है, उस दुकान की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना हमारा गोल है। तो अगर हम दुकान को ये भी एडवाइस करेंगे कि आप इस एरिया में अगर ये दुकान है आपकी तो आपको ये सामान रखना चाहिए, तो आपकी सेल सबसे ज़्यादा होगी, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगी, तो इस तरह की सर्विसेज, तो ये सब अब हमारी पाइपलाइन में, इस पर हमारी इंजीनियरिंग टीम्स काम कर रही हैं कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम दुकानदार के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सबसे मेन चीज़ ये है कि जो दुकानदारों को भी बनाने मैं चाहूँगा कि ट्राई करें द फुल सर्विस। आई थिंक हमारी सर्विस का गोल ये है कि आप हमसे रोज़ ऑर्डर करें, बिकॉज हम आपको रोज़ डिलीवरी देते हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आप दुकान में 10 कार्टन सामान रखना आपको पड़ता है क्योंकि आपको 4 दिन बाद सामान मिलता है, आप 2-3 कार्टन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपने रिदम बनाना है कि आप 2-3 कार्टन में काम करें, तो उससे ये जो आपके पैसे फंसते हैं दुकान के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। आज भी हमारी सर्विस ओनली 5-10% पीपल अंडरस्टैंड के वो इसकी डेप्थ ये है कि आप एक बार सामान मंगवाएं। मेन वैल्यू आई थिंक जब क्रिएट होना शुरू होती है जब आप रोज़ ऑर्डर करने लग जाते हैं, क्योंकि आप उस सर्विस का फ़ायदा उठा रहे हो कि आप रोज़ मार्केट तो नहीं जा सकते, रोज़ आपके पास हर बुकर तो नहीं आता, बट आप रोज़ हमसे ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा चेंज है मेरे लिए, जो आई थिंक लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए अपने लिए।